ये कोई नई बात नहीं है कि साइंस फिक्शन मूवीज और कार्टून एनिमेशंस में बहुत ही बड़ा चढ़ाकर फ्यूचर्स को दिखाया जाता है, पर क्या होगा अगर ये फ्यूचरिस्टिक मूवीज में दिखने वाले सीन्स अगर फ्यूचर में सच हो जाएं, और सच होने का मतलब उसके आसपास नहीं बिल्कुल एक्यूरेट हों यानी सटीक हों, तो क्या होगा? बिल्कुल जिस तरह आप सोच में पड़ गए होंगे, क्योंकि मैं भी चौंक गया था जब मुझे इसके बारे में पता चला, और पता ही नहीं चला बल्कि मैंने इसे देखा पूरे पुख्ता सबूत के साथ, और आज आप भी देखकर जरूर चौंक जाएंगे। बेशक नास्त्रदमस ने फ्यूचर प्रेडिक्शंस की थी, पर वो कोइंसिडेंस भी हो सकती हैं, पर इस कार्टून एनिमेशन टीवी शो की फ्यूचर प्रेडिक्शंस को कोइंसिडेंस कहना बिल्कुल भी गलत होगा। पर फ्यूचर प्रेडिक्शन बताने से पहले मैं आपको उस एनिमेशन शो के बारे में बता दूं। उस कार्टून एनिमेशन का नाम है द सिम्पसंस, जो कि 17 दिसंबर 1989 में शुरू हुआ था, जिसके 30 सीजन्स कंप्लीट हो चुके हैं और आने वाले 2 सीजन्स की प्लानिंग की जा चुकी है। इतना ही नहीं, सबसे लंबा चलने वाला अगर कोई कार्टून एनिमेटेड शो है तो वो यही है, और इस शो ने एक नहीं बल्कि 30 से ज्यादा फ्यूचर प्रेडिक्शंस की थी, यानी बिल्कुल सटीक भविष्यवाणियां, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से लेकर नोबेल प्राइज विनर तक का नाम पहले ही बता दिया था, और वो भी ये सब होने से 12 या 15 साल पहले। उनमें से एक ये है, बीट अप मार्टिन। अगर आप अपने फोन में बीट अप मार्टिन लिखते हैं तो ये ईट अप मार्था हो जाएगा या ईट अप मार्टिन हो जाएगा, पर जब आपका कीबोर्ड ऑटो करेक्शन पे हो तभी ऐसा होगा। और ये इस शो में काफी सालों पहले ही दिखा दिया गया था, जब मोबाइल फोन ना के बराबर थे और ऐसे फीचर्स तो फोन में अवेलेबल भी नहीं थे। और अगर आज भी आप बीट अप मार्टिन अपने फोन में ऑटो करेक्शन पर लिखते हैं तो ये ईट अप मार्था हो जाता है। और मैं भी अब एक फ्यूचर प्रेडिक्शन करने वाला हूं कि आप उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को भी जरूर दबाएंगे, ताकि सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए आपको बताते हैं द सिम्पसंस की फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में। सबसे पहला, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल हम कभी करेंगे शायद ये उस वक्त पॉसिबल भी नहीं था, पर 1995 यानी 1995 में ये इस शो ने प्रिडिक्ट कर दिया था कि वीडियो कॉलिंग हो सकती है, जो कि हमारे टेक वर्ल्ड में 2010 यानी 2010 में पॉसिबल हुई थी, और ये सीजन 6 के एपिसोड 19 में दिखाया गया था, जिसमें लीजा नाम की एक लड़की वीडियो चैट करके 15 साल फ्यूचर में चली जाती है और किसी से बात करती है। चौंकाने वाली बात ये भी है कि अगर हम 2010 में से 1995 को माइनस करें यानी कि घटा दें, तो ये हमें 15 ही देता है, यानी कि ये फ्यूचर प्रेडिक्शन जो 15 साल पहले हुआ था बिल्कुल एक्यूरेट था। और वीडियो कॉल तो आज के टाइम में हम सभी कभी ना कभी यूज करते हैं। नंबर 2, स्मार्ट वॉच। सेम एपिसोड यानी कि सीजन 6 के एपिसोड 19 में लीजा का जो फियोंसे है यानी मंगेतर है, वो अपनी एक फैशनेबल वॉच से किसी को फोन करता है, पर हमारे लिए टेक वर्ल्ड में ये 2014 यानी 2014 में सबसे पहले कोई ऐसी घड़ी आई थी या स्मार्ट वॉच आई थी जिससे कॉल की जा सकती थी। पर 19 साल पहले तो ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि किसी घड़ी से कोई फोन कॉल भी करी जा सकती है। नंबर 3, गोप्रो। गोप्रो तो हम सभी जानते हैं, एक कैमरा है जो काफी छोटा होता है, वाटरप्रूफ भी होता है और भी काफी सारे फीचर्स होते हैं इस कैमरे में। तो ये देखने को मिला था सीजन 5 के एपिसोड 13 यानी 13 में, जिसमें होमर, जो कि इस सिम्पसन का मेन कैरेक्टर है, एक सीक्रेट हिडन इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लेता है, जिसमें ई मार्ट की उन्हें पोल खोलनी होती है, जिसमें होमा को एक हेड दी जाती है जिसमें एक कैमरा भी लगा होता है, बिल्कुल एक गोप्रो या एक छोटे कैमरे जैसा। पर ऐसा कैमरा तो हमें 2004 में देखने को मिला था, जिससे हम स्ट्रिंग ऑपरेशन या अपनी पर्सनल मेमोरीज को भी स्टोर कर सकते थे। नंबर 4 पर है फॉल्टी वोटिंग मशीन्स, यानी कि बराक ओबामा के लिए कभी जब वोट डाली गई थी तो उसमें कुछ फॉल्ट थे। आज से शायद 15 या 16 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि बराक ओबामा कभी प्रेसिडेंट भी बनेंगे। जब होमर बराक ओबामा को वोट डालने के लिए बटन प्रेस करते हैं तो वो बटन प्रेस ना होकर ऑटोमेटिकली जॉन मैककेन को ही वोट देता है,
यानी कि उस वोटिंग मशीन के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ की गई थी और इसे दिखाया गया था सीजन 20 के एपिसोड 4 में। और ये 2012 में सच भी हुआ, जब एक आदमी वोट डालने गया तो सेम टू सेम उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ, जिसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और ये वीडियो YouTube पर भी अभी अवेलेबल है और इस वीडियो को अब तक लगभग 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है और इससे ज्यादा ठोस सबूत आपको शायद कोई भी नहीं देगा। पांचवा है डोनाल्ड ट्रंप। आज से 16 साल पहले इस कार्टून शो और नास्त्रदमस ने इससे भी काफी साल पहले इस बात की घोषणा कर दी थी, यानी कि फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया था कि आने वाले इलेक्शंस में कभी ना कभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, जो कि 2016 में सच भी हुआ, जिसे हम सीजन 11 के एपिसोड 17 यानी 17 में देख सकते हैं। इतना ही नहीं, वही सेम दिखने वाला चेहरा, वही ट्रंप के हाव भाव और वही सेम टू सेम सीन जो हमें सिम्पसन में दिखाए गए थे, हमें टीवी पर भी देखने को मिले जब डोनाल्ड ट्रंप को लाइव देखा गया था। 6th है नोबेल प्राइज विनर। इतना ही नहीं, इस शो ने बिल्कुल करेक्टली यानी कि सटीक तरीके से नोबेल प्राइज विनर का नाम भी 2010 में प्रिडिक्ट कर दिया था, जो कि सच हुआ 2016 में। और इसीलिए इस शो को इतना ज्यादा फेम मिला, क्योंकि हो सकता है कि इस शो को बनाने वाला कोई महाजीनियस है। जी हाँ, 2010 में ये प्रिडिक्ट किया गया था कि नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स में कौन विनर होगा, और इस शो में जो नाम दिखाया गया था वो सच साबित हुआ, यानी कि 2010 की नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की प्रिडिक्शन 2016 में सच साबित हुई। 7th है यूएस इबोला वायरस आउटब्रेक। आप सब ये तो जानते होंगे कि 2000 के आसपास दुनिया में इबोला वायरस काफी चर्चा में था, जैसे आज कोरोना वायरस फैल रहा है। पर इबोला की भविष्यवाणियां 1997 यानी 1997 में इस शो के सीजन 9 एपिसोड 3 में दिखा दी गई थी, जिसमें एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को एक बुक पढ़ने के लिए देता है और इस बुक का टाइटल है क्यूरियस जॉर्ज एंड द इबोला वायरस, जिसमें एक लेडी इस वायरस से सफर कर रही है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि ये एपिसोड 2014 से काफी सालों पहले ही रिलीज किया जा चुका था, यानी कि 1997 में। 8th है द गॉड पार्टिकल यानी कि द हिग्स बोसन। सीजन 10 के एपिसोड 2 में, जिसे 1998 में दिखाया गया कि सिम्पसन का जो मेन कैरेक्टर है यानी होमा एक इन्वेंटर बनना चाहता है और इसी वजह से वो लैब में जाकर किसी साइंटिस्ट की तरह हरकतें यानी कि उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। वो एक ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर कुछ मैथ्स की इक्वेशंस को लिखता है, जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता होता है कि आखिर वो लिख क्या रहा है। खैर, उस वक्त तो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ना देखने वालों ने ध्यान दिया और ना ही किसी मैथमेटिशियन ने इस पर ध्यान दिया। पर 14 साल बाद एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। कुछ साइंटिस्ट मिलकर द गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी करते हैं और जब इस गॉड पार्टिकल का मास कैलकुलेट किया गया तो इसका जो मास निकला था वो अप्रोक्स उतना ही था जितना सिम्पसन के शो में होमा ने कैलकुलेट किया था उस ब्लैक बोर्ड पर। और ये गॉड पार्टिकल तो 2012 में सच हुआ और सबके सामने भी आया। तो ये तो तय है कि सब कुछ गलत हो सकता है, किसी कैरेक्टर का नाम भी गलत हो सकता है, कोई जगह का नाम भी गलत हो सकता है। इतना ही नहीं, किसी कैरेक्टर के बेसिक्स भी बहुत ज़्यादा चेंज हो सकते हैं। पर कोई इतना अच्छा फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है ये सोचने वाली बात। और यही वजह है कि ये शो आज भी बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी इतना ज़्यादा फेम और पॉपुलर हो चुका है कि कोई भी इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करता है। और हर कोई इस कार्टून एनिमेशंस यानी द सिम्पसन में हर कोई फ्यूचर को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया कि किसी ना किसी एपिसोड्स में एक्यूरेटली फ्यूचर्स को दिखाया गया है, यानी कि फ्यूचरिस्टिक चीज कोई ना कोई द सिम्पसन के शो में देखने को जरूर मिली है। और 17 दिसंबर 1989 में जब ये शो शुरू हुआ था तब ये इतना पॉपुलर नहीं था, पर जैसे जैसे इसके सीजन्स और आने शुरू हुए और 30 सीजन्स पूरे कंप्लीट हुए तब इसको इतना ज़्यादा फेम मिलने लगा और लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखने लगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम सारी प्रिडिक्शंस को तो कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस शो में 30 से भी ज़्यादा प्रिडिक्शंस को देखा गया है। पर किसी अगले वीडियो में हम आपको और फ्यूचर प्रिडिक्शंस जो द सिम्पसन शो में की गई हैं उसके बारे में ज़रूर बताएंगे।